चलिए दोस्तों, अब एक हम क्वेश्चन ऐसा देखेंगे जिसमें कि डिस्काउंट है ना। बिल जब अपन मिल रहा है हमको, तो हम वहाँ पे डिस्काउंट दे रहे हैं, एंडोर्समेंट है, डिसऑनर है, और साथ ही साथ नोटिंग चार्जेस भी हैं। ठीक है, तो देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। ए परचेजेस गुड्स वर्थ रुपीज 6200 फ्रॉम बी एंड गिव्स हिम हिज एक्सेप्टेंस फॉर रुपीज 6000 इन फुल सेटिस्फेक्शन। तो ये आ गया डिस्काउंट। बी परचेजेस गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 फ्रॉम सी एंड एंडोसेस द बिल टू हिम पेइंग द बैलेंस बाय चेक। ये हो गया एंडोसमेंट। ऑन द मैच्योरिटी बिल इज डिसऑनर्ड, नोटिंग चार्जेस अमाउंटेड टू 100। ये हो गया आपका डिसऑनर विद नोटिंग चार्जेस। ठीक है, गिव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए बी एंड सी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ ए, स्टेप बाय स्टेप, है कोई जल्दबाजी नहीं है। ए परचेजेस गुड्स वर्थ रुपीज 6200 फ्रॉम बी, उसने गुड्स खरीदे। डेट लिखी है क्या? नहीं, डेट नहीं लिखी है। तो पहले हम एक काम करते हैं, गुड्स खरीद लेते हैं। तो एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू बी अकाउंट, बी से गुड्स खरीदे 6200 के। ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम बी। फिर उसके बाद हमने उसको बिल दे दिया 6000 का फुल सेटिस्फेक्शन में। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बी अकाउंट डेबिट, मतलब बी का 6200 रुपीज का जो अकाउंट है वो सेटल हो रहा है बिल दे के। कितने का? 6000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 200 रुपये का। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा? अब तय तारीख पे ए के पास कोई आएगा, कोई भी आए, एक्स वाई जेड उससे कोई मतलब नहीं है। वो आया, उसने उससे बिल का पेमेंट मांगा, उसने बोला नहीं देंगे जाओ। उसने कहा 100 रुपये नोटिंग चार्जेस भी है, ध्यान रखना। हमने कहा ठीक है जाओ। अब हमें पैसे किसको देने हैं भाई? हमको पैसे तो बी को देने हैं और किसी को नहीं देने हैं। किसको देने हैं? बी को देने हैं। बी अगेन विल बिकम अ लायबिलिटी फॉर अस, जैसे अपन ने डिस्कस किया। तो हम अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ध्यान देना। बी अगेन विल बिकम अ लायबिलिटी फॉर अस, तो टू बी अकाउंट पहले लिख दे रहा हूँ मैं। तो बी को हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे? पहली बात तो ये ध्यान रखो कि हमें शुरू में कितने पैसे देने थे? 6200 रुपये देने थे, राइट? तो 6200 रुपये तो देने ही पड़ेंगे, और साथ ही साथ ये नोटिंग चार्जेस भी देने पड़ेंगे। तो अल्टीमेटली हमको बी को कितने पैसे देने पड़ेंगे? 6300। अब आप लिखो कि भैया 6300 किस किस के? सबसे पहले तो बिल, बिल जो था हमारा 6000 का, वो जो हमने डिस्काउंट दिया था, वो डिस्काउंट जो हमको मिला था, वो डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा, वो डिस्काउंट को भी रिवर्स करना पड़ेगा। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे बच्चे गलती करते हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, ध्यान दो। इधर पहले यहां पे लिख लेते हैं, और नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 100। देखो, हमें 6200 रुपये देने थे। किसको देने थे? बी को। ये बात क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। अब हमने उसको 6000 का बिल दिया, उसने डिस्काउंट इसी बात पे दिया कि हम उसको पेमेंट कर रहे हैं। क्या बिना पेमेंट किए आप डिस्काउंट चाहते हैं? हम पेमेंट ही ना करें और हमको डिस्काउंट मिल जाए, ऐसा नहीं होता। तो जब आपने पेमेंट किया नहीं, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा नहीं। जो डिस्काउंट मिला वो भी वापस कर लिया जाएगा, उसे भी हमें रिवर्स करना पड़ेगा। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? सबसे पहले बीपी जो हमारी लायबिलिटी थी उसको खत्म करो। हमारी लायबिलिटी अब हो जाएगी बी, है ना मिस्टर बी? तो बीपी अकाउंट क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। ठीक है, डिस्काउंट जो हमको मिला था उसे भी रिवर्स करके डेबिट कर दिया, और एक नया एक्सपेंस हमारे लिए हो गया जिसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं, वो है नोटिंग चार्जेस। तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट हो गया। क्लियर है? टू बी कितना हो गया? 6300। क्लियर है बात? तो ये हो गया इन द बुक्स ऑफ ए। अब हम चलते हैं इन द बुक्स ऑफ बी। इन द बुक्स ऑफ बी अकाउंट,
देखो क्या करना है, बी कौन है यहाँ पे, बी है यहाँ पे ड्रॉ, ठीक है, बी है ड्रॉ। तो बी को बिल मिला है, किससे मिला है, ए से मिला है, क्योंकि उसने उसको गुड्स बेचे हैं। देख लो यहाँ पे, ए परचेजेस गुड्स वर्थ टू बी 6200 फ्रॉम बी। तो यहाँ पे हमने ए को, ए अकाउंट डेबिट टू सेल, ए को गुड्स बेचे हैं कितने के, 6200 के। हमें ए से पैसे लेने भी हैं, कितने लेने हैं, 6200। उसने कहा यार आप बिल ले लो और हमको डिस्काउंट भी दे दो। हमने कहा चलो ठीक है, दे रहा है पैसे तो अच्छी बात है, 6000 डिस्काउंट अलाउड, हमने दे दिया उसको डिस्काउंट। 200 रुपये टू, बोलो क्या लिखना है, टू ए अकाउंट, कितना, 6200। क्लियर है, कोई दिक्कत है, अकाउंट ए का हो गया क्लोज। अब क्या हुआ, देखो आगे, बी परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 फ्रॉम सी एंड एंडोसेस द बिल टू हिम पेइंग द बैलेंस बाय चेक। तो हमने क्या किया कि हमने कुछ गुड्स खरीदे सी से, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू सी अकाउंट, कितने के, 10,000 के। और हमने क्या किया कि सी अकाउंट डेबिट टू, हमने उसको ये जो हमको बिल मिला था, हमको बिल मिला था ये 6,000 रुपये का, और बाकी हमने चेक से पेमेंट कर दी, कितना, ये लो 10,000, 6,000 का बिल और 4,000 रुपये चेक, डन, ठीक है। तय तारीख पे एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी सी जाएगा किसके पास, ए के पास, पैसे दो। ए बोलता है नहीं देंगे। सी हमको फोन करके कहेगा कि भाई आपने जो 6,000 रुपये का बिल दिया था ना, वो डिसऑनर हो गया और नोटिंग चार्जेस भी लगे हैं, अब मुझे आपसे 6,100 रुपये लेने हैं। हमने तुरंत फोन किया किसको, हमने फोन किया ए को, हमने कहा ए भाई साहब आपने जो बिल दिया था ना, वो डिसऑनर हो गया है, मुझे अब आपसे पैसे लेने हैं 6,100 रुपये। तो हमें ए से पैसे लेने हैं और हमको सी को पैसे देने हैं, कितने, 6,100, 6,100। आई बात समझ में, यहाँ पे ये क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार, आपको कहानी सुन लो। यहाँ पे बिल जो है कौन बना रहा है, बी बना रहा है, ए को दे रहा है, ए एक्सेप्ट करके वापस उसको दे रहा है, ठीक है। 6,200 रुपये के गुड्स बी ने ए को बेचे थे, उसके बदले में उसको कितना मिला, 6,000 रुपये का बिल मिला, उसने 200 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। वो ही बिल उसने सी को दे दिया, क्योंकि सी से उसने 10,000 के गुड्स खरीदे थे, उसने 6,000 रुपये का बिल दिया और 4,000 रुपये का उसको चेक दे दिया, ठीक है। अब तय तारीख पे सी, जिसको हमने बिल दिया था, वो फोन करके हमको बोलता है कि आपका बिल डिसऑनर हो गया, 100 रुपये नोटिंग चार्जेस लगे हैं, आप मुझे 6,100 रुपये दो। हमने कहा ठीक है, और हमने फोन करके ए को कह दिया कि भाई आप हमको 6,100 रुपये दो। तो हमें ए से 6,100 लेना है, सी को 6,100 रुपये देना है, इट इज दैट सिंपल, क्लियर है। अब चलते हैं हम किसके पास, अब हम चलते हैं सी के पास। चलो देखते हैं कि सी क्या लिखेगा। तो इन द बुक्स ऑफ सी, सी ने गुड्स बेचे थे, किसको बेचे थे, सी ने गुड्स बेचे थे बी को, तो बी अकाउंट डेबिट कितने के, 10,000 के, टू सेल्स। और उसके एवज में, बदले में हमको बिल मिल गया 6,000 रुपये का, चेक मिल गया 4,000 रुपये का, और हमने बी का अकाउंट क्लोज कर दिया, खत्म। मगर तय तारीख पे ये 6,000 रुपये का बिल का पेमेंट नहीं होता है और हमें बी से अब फिर से पैसे लेने हैं। तो बी अकाउंट डेबिट कितने लेने हैं, 6,100 रुपये लेने हैं, टू बी आर 6,000 और टू कैश। कैश किस बात का है, नोटिंग चार्जेस का। आई बात समझ में। तो करने, इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका यही है कि एक एक व्यक्ति को अलग अलग
आप उसके ट्रांजेक्शन देखें और सॉल्व करें। दैट इज द बेस्ट वे टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें तीन चार लोगों के बुक्स में हमको एंट्रीज करनी रहती हैं। ठीक है, तो खुद से जरूर ट्राई करें, इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट टू ट्राई ऑन योर ओन। चलो मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में, बाय बाय।